करनाल से कांग्रेस के प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह जो करनाल में मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज करनाल में एक विशाल रोड शो निकाला। शहर के मुख्य बाजारों में डोर टू डोर जाकर वोट की अपील करते हुए दिखाई दिए। इस अवसर पर सरदार त्रिलोचन सिंह का जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। सरदार त्रिलोचन सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी ने इस अवसर पर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जो सीएम सिटी के नाम से जो लोग कहते हैं वह क्राइम सिटी में बदल गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर अभियान चलाए जा रहे हैं, परंतु महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा महंगाई चरम दौर पर आ गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो उन्होंने जो भी वादे घोषणा पत्र में किए हैं उनको पूरा करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा द्वारा 2014 में किए गए चुनावी वादों को कोरी झूठ बताते हुए कहा कि एक भी वादा पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा नहीं किया है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि इतिहास गवाह है कि चौधरी देवीलाल को एक मामूली से कार्यकर्ता छत्रपाल ने हरा दिया था, बंसीलाल को भी एक कार्यकर्ता धर्मवीर ने हरा दिया था, शीला दीक्षित ने भी मुख्यमंत्री को हराकर इतिहास रचा था, इसी तरह वह भी करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हराकर इतिहास रच देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की कार्यशैली से और वाक शैली से जनता परेशान है। चुनाव के अंतिम दिन सरदार त्रिलोचन सिंह द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर जाकर लोगों से न्याय और अन्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने का आह्वान भी किया गया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेसी नेताओं में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक खुराना, अरविंद मान निचू, सुमिता सिंह के पति जगदीप सिंह विर्क, जोगा सिंह के अलावा भारी तादाद में महिला कांग्रेस की महिलाएं और जनसमूह उपस्थित रहा। स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, लोगों को मिलना जुलना नहीं है। 5 साल में सिर्फ 5 बार आए। चीफ मिनिस्टर का काम होता खुला दरबार लगाना, एक भी खुला दरबार नहीं लगाया। डेंगू सबसे ज्यादा करनाल में फैलता है, क्राइम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करनाल में है। करनाल के लोग शांति प्रिय लोग हैं, ये बचावे में एक बार जरूर आ गए, लेकिन अब ये मेरे को प्यार दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को प्यार दे रहे हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को, शैलजा जी को प्यार दे रहे हैं, सोनिया गांधी का आशीर्वाद मेरे सिर पे है। इन सब मैं परमात्मा चाहे नैया पार कर। आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर क्या मुद्दे हैं, और आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उनका समाधान किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो बात नहीं बनेगी, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमारा मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, वो आपने पढ़ लिया है। हम अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से जाएंगे, घोषणा पत्र के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो घोषणा पत्र में 154 वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। हम पहले दिन से ही वादे पूरे करेंगे। हर जो बुजुर्ग है 5,100 रुपये पेंशन देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बसों में यात्रा फ्री देंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगार पर बी ए पास 7,000 रुपया, जो एमए पास है 9,000 रुपये बिना घर बैठे देंगे। तो हम ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम आगे देखेंगे, पीछे मुड़के नहीं देखेंगे। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री के आगे चुनाव लड़ रहे हैं, जो स्टार प्रचारक भी हैं बीजेपी के, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा और मैदान में आपको उतार दिया? चौधरी देवीलाल जब लड़े थे चीफ मिनिस्टर के हुए, छत्रपाल जो 24 साल का था उसके गले में घंटी बांधी की थी वो जीता। चौधरी बंसीलाल जी के सामने धर्मवीर के गले में घंटी बाजी थी वो जीता। शीला दीक्षित 4 बार मुख्यमंत्री रही, उसके सामने जिसके गले में घंटी बाजी वो जीता। जरूरी नहीं छोटा पहलवान बड़े को गिरा नहीं सकता, एक चींटी चाहे मैं जाति तौर पर नहीं कहता, भाइयों के सिर्फ एक चंदो पर बैठ के मैं आया हूँ। हम हराएंगे, और क्योंकि हरियाणा मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते अगर किसी कारण हुकन क्रुक सारे हथियार अपना के जीत भी जाते हैं, मुख्यमंत्री इनको नहीं बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी छत्तर प्लस का नारा दिया है, वो कई नेता ये भी आके कह रहे हैं कि हम 85 ही जीत जाएंगे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस बार 75 पार का नारा पार करेगी? शुक्र है वो 75 रुक गए, 85 रुक गए, शुक्र है कि उन्होंने 95 नहीं कहा। कह सकते हैं 15 लाख की बात की कहाँ है? RBI से करोड़ों खरबों रुपए ले लिया, कोई हिसाब नहीं है। खुशहाली आएगी नोटबंदी के बाद वो कहाँ है? GST के बाद व्यापारी खुशहाल होगा वो कहाँ है? बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी वो कहाँ है? बताया जाए बेटी पढ़ाओ बेटी बताओ का नारा कहाँ का हिसाब? गुजरात के बंदर महिला हमारा भारत कर दिया, करनाल में क्राइम इतना बढ़ गया, CM सिटी क्राइम सिटी बन गया। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।